इस खबर के प्रायोजक हैं कन्हान एग्रोविजन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। संत कृपा हॉस्पिटल सेंटर फॉर डाइजेस्टिव डाइजेस्ट थेरेपी यूटीसी एंडोस्कोपी आपके लिए लेकर आया है लीवर के आंतरिक समस्या को लेकर निजात दिलाने के लिए विशेष उपचार। इस संत कृपा हॉस्पिटल में कई वर्षों से लीवर से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का विशेष रूप से इलाज किया जाता है, जिसमें लीवर ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनबी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हेपेटोलॉजी जैसी आवश्यक साधनों के माध्यम से बीमारियों से निजात दिलाए जाते हैं। इस हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर शिवजी ठाकरे एमबीबीएस एमडी हैं। शीघ्र ही संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8208683633। हमारा पता है SBI ट्रेजरी शाखा, अमंका प्लाट, सिविल लाइन, अकोला। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिवाजी वैकुंठराव ठाकरे। आई एम अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट संत कृपा हॉस्पिटल अमंका प्लॉट अकोला। सो लीवर एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। लीवर अपने बॉडी में राइट साइड पे लोकेटेड रहता है, पेट में सबसे ऊपर और राइट साइड पे। इसका जो आकार रहता है ये एक फुटबॉल की तरह रहता है और इसका जो वेट रहता है इट इज अराउंड 1 kg to 1.5 kg। और जो नॉर्मल लीवर रहता है ये स्मूथ रहता है और स्पंज जैसा सॉफ्ट रहता है। लेकिन जब इसमें कोई बीमारी आती है जैसे कि सिरोसिस जैसा जो बीमारी है उसमें लीवर ये लकड़ी जैसा हार्ड हो जाता है और उसका जो सरफेस रहता है वो इरेगुलर हो जाता है। तो अपने बॉडी में लीवर के बेसिकली पाँच से लेकर छः तक फंक्शंस है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है कि जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसमें इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। देन दूसरा फंक्शन है कि जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना रहता है तो लीवर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। तीसरा इसका फंक्शन है कि ये जो दूषित पदार्थ रहते हैं बॉडी में वो फिल्टर करने का काम करता है। जैसे कि किडनी भी कुछ दूषित पदार्थ फिल्टर करती है तो उसी तरह लीवर भी कुछ दूषित पदार्थ फिल्टर करता है। और उसके साथ में जो ब्लड का क्लॉटिंग फंक्शन रहता है तो उसमें भी लीवर का महत्वपूर्ण रोल है। तो लीवर के जो प्रमुख कारण है तो बेसिकली उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अल्कोहल की जो अपन ड्रिंक्स करते हैं तो अल्कोहल की सेवन से उसमें बहुत व्याधि आ सकती है जिसको अपन अल्कोहलिक लीवर डिसीज बोलते हैं। तो जैसे कि अपने जो उसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि कुछ वायरसेस जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस, बी, हेपेटाइटिस सी, ई, तो ऐसे 4-5 टाइप के हेपेटाइटिस के वायरसेस रहते हैं। तीसरा उसका कारण है कि लीवर में चर्बी जमा होना। तो लीवर में चर्बी जमा होने की वजह से लीवर का आकार बढ़ता है और उसमें नैश जैसी बीमारी होती है। और उसके अलावा ये जो चार हो गए ये महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा भी कुछ कुछ रेयर डिसीजेस है जिसकी वजह से लीवर में व्याधि होती है, जैसे कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया या कुछ जेनेटिक कारण होते हैं विल्सन डिसीज जैसे, या फिर कभी कभी आयुर्वेदिक जो औषधि रहते हैं उसके सेवन से भी लीवर में व्याधि हो सकती है। अगर किसी को लीवर की बीमारी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण उनको होता है पीलिया, जिसको अपन जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो उसमें आंखें पीली होती है और जो अपनी यूरिन होती है उसका कलर भी पीला हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण उसका चिन्ह है कि पेट फूलना, पेट में पानी भरना और पैरों के ऊपर सूजन आना। इसके अलावा जो बाकी है कि थका ना जाना या फिर खाने की इच्छा ना होना, खाना कम हो जाना या उल्टी जैसा होना, ये सब चीजें हो सकती है। और अगर लीवर डिसीज लास्ट स्टेज में है तो उसमें अन्न की नली में रक्तस्राव होके वो खून की उल्टी होना या फिर जो मोशन रहता है वो काले कलर का होना, तो ये सब उसके चिन्ह है लीवर के डिसीज के। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना डाइट, तो जो बेसिकल अपना डाइट है तो उसमें ज्यादा कैलोरी का सेवन न करना, तो लो कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन लेना और जो ऑयली चीजें रहती है वो थोड़ा कम खाना, मतलब लो फैट, लो कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करना। दूसरी चीज है कि डेली 45-60 मिनट एक्सरसाइज करना। इतना एक्सरसाइज करना ही चाहिए कि जिससे लीवर की जो सेहत रहती है वो अच्छी रहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ अपने एडिक्शन है जैसे कि अल्कोहल का सेवन करना या स्मोकिंग करना, तो ये सब चीजें अगर अवॉइड करेंगे तो उससे भी लीवर सुरक्षित रहेगा। उसके बाद कुछ वैक्सीन रहती है जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस से लीवर में व्याधि आती है तो अपन उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है इंडिया में अभी, तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना, तो उससे हेपेटाइटिस बी का जो प्रमाण है वो कम हो जाएगा। और लास्ट में कि जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन से लीवर में कुछ व्याधि आ सकती है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो कोई भी दवा जो लेना है वो डॉक्टर के
सलाह के कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह नहीं लेना चाहिए। अगर अगर कुछ मेडिसिन डॉक्टर के सलाह के बिना अगर लेंगे तो उसमें लिवर में व्याधि आ सकती है, क्योंकि जो सारे मेडिसिन रहते हैं वो लिवर में लिवर से ही डाइजेस्ट होकर निकलते हैं। तो मैं उनको बेसिकली अगर लिवर को सही और सुरक्षित रखना है तो उनको पंचसूत्री कार्यक्रम करके एक मैं बता सकता हूँ। इसमें 5 चीजें ध्यान रखना चाहिए, तो अच्छा डाइट मेंटेन करो, उसके बाद कोई भी व्यसन एडिक्शन मत करो, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन सबने करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और डॉक्टर के सलाह के बिना कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। ये 5 चीजें करेंगे तो आपका लिवर हमेशा सुरक्षित रहेगा। कान्हान एग्रोविजन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, यह कंपनी नागपुर जिला कृषि विभाग के गटक्षेत्री सन 17-18 योजना में जुड़कर ग्रुप फार्मिंग, अत्याधुनिक मशीन से खेती, जैविक खेती और अनाज की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर अच्छे किस्म की फसल पैदा करने में किसानों को सुविधाएं और प्रचार प्रसार कराती है। अनाज उगाने से लेकर तो अनाज क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टेक्स पैकिंग, राइस मिलिंग जैसी सुविधाएं किसानों को कम भाव दिलाती हैं। यहाँ किसानों की फसल की प्रोसेसिंग कर सीधे किसान से ग्राहक तक घर पहुंच सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस वजह से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्राहक को मिलावट फ्री अनाज मिलेगा। इस कंपनी में अच्छी किस्म का स्वादिष्ट जय श्री राम चावल, DRK2 चावल, ब्राह्मोड चावल, ब्लैक चावल, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। यह कंपनी सालवा रोड, नीलज, कान्हान तहसील, पारशिवनी, जिला नागपुर में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए हमें आप हमारे वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं www.kanhanfarmerproducercompany.in। हमारा मोबाइल नंबर है कमलेश भोयर 9923594551, राजेंद्र बड़ 8329273752, अभिजीत फरसोली 9373217626।